सिंपल सी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ आज आपको, वो पूरे के पूरे ज्योतिष का कोड है। मतलब अगर वो आपको अपनी सीट से उछलने पे मजबूर ना करे तो बेकार है। हाँ, मतलब वो एक क्लास के अंदर पैसा वसूल। रीजन बिंग इज क्योंकि इसको पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, बहुत कुछ देना पड़ा, बहुत साल की मेहनत लगी और उसके बाद ये यहाँ पर यहाँ तक पहुँचे। तो आपको पका पकाया मिलना है, हो सकता है आपको इतनी खुशी नहीं हो, कई बार खाना पका पकाया मिल जाता है तो खुशी नहीं होती है, और जब खुद बनाना पड़ता है और वो बनता है फिर वो प्रोसेस आपको पता होता है तो आपको पता होता है कि कितनी मेहनत किस चीज़ में गई है। तो ये जो आज हम करने वाले हैं वो बिल्कुल बीपीएचएस का कोड है। आप देखो कोई भी किताब उठाओ, बीपीएचएस हो, भृगुनंदिनी नारी हो, सारावली, जातक परिजात, कोई सी भी, आपकी इच्छा, हाँ आपकी अपनी चॉइस। तो सारे के सारे ऋषि ने ये सोचा कि एक काम करते हैं, एक चीज करते हैं, अपने जितनी भी दशाज है ना, दशाज बनाने से पहले इनको एक सिस्टम कोड करके देते हैं और ये बताते हैं कि देखो ये वाला प्लांट इस साल में यहां पर एक्टिवेट होगा, ये प्लैनेट यहां से अपने से तीसरे में एक्टिवेट होगा, अपने से पांचवें में करेगा, अपने से छठे में एक्टिवेट करेगा। तो वो जो कोड है ना कि कोई प्लांट अपने से तीसरे में कब एक्टिवेट होता है, चौथे में कब एक्टिवेट होता है, पांचवें में, प्लांट ऐसा नहीं कि एक्टिवेट होता है हर साल, हर प्लांट एक्टिवेट रहता है, पर वो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में कुछ पर्टिकुलर हाउसेस के अंदर जाके रिजल्ट्स आपको प्रोमिनेंटली देता है, इसलिए आपको पता चलता है कि हाँ वो असल एक्टिवेट हुआ है। तो ये वाला जो कोड है वो सारे ऋषि ने बोला कि हम लोग ऐसे कोड करके देते हैं उनको बुक्स के अंदर, बीपीएचएस का चैप्टर नंबर 15 या 16 के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर ही जब वो एजेस पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर ही वो बहुत सारी बार एजेस मेंशन करते हैं कि शुक्र दूसरे घर का मालिक 11वें में, 11वें घर का मालिक दूसरे में हो तो इतने साल में शादी हो जाएगी, अगर शुक्र इस वाले नवांश में हो तो इतने साल में शादी हो जाएगी। वो आपको कोडिंग दे रहे हैं पर हम लोगों की बेवकूफ़ी है कि हम उसको पकड़ते नहीं थे, ओवरलुक कर देते थे। तो देखो जब भी कोई ऋषि कोई भी बात बोलते हैं ना उसके पीछे का बहुत मतलब है, लेकिन ना वो आपको पीछे डंडा लेके आपको दीपांशु की तरह सिखाएंगे नहीं कि देखो मैंने लिखा हुआ है पढ़ लो, उन्होंने बोल दिया मान लो बात खत्म हो गई। बड़े आदमी ऐसी बात करते हैं उनके बात का मतलब निकालना पड़ता है। तो वो वाला कोड आज मैं देने वाला हूँ आपको। हाँ, इसके बाद ना अपना फेसबुक भर देना इस वाली पोस्ट से कि शुक्र इतने साल में इतने यहाँ पर रिजल्ट देगा, यहाँ पर रिजल्ट देगा, यहाँ पर रिजल्ट देगा। हाँ देगा, 110% देगा, मैं बता रहा हूँ। चाहे अपने नाम से पद्धति निकालना, अपने नाम से सिस्टम निकाल देना, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि तुमको लगता हो ये कोड है, मेरे पास हमेशा एक कार्ड एक्स्ट्रा रहता है, मैं तुमको उसके आगे का दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है। तीसरा चीज है कि कोई भी जो सिस्टम है ना आकाश के अंदर वो तीन तरीके से बना है। पहले है घर, हाउस। आप बीपीएचएस भी पढ़ोगे ना तो पहले वो घरों की राशि की बात नहीं करते, वो बोलते हैं अगर शुक्र इस वाले घर में हो, अगर शनि पांचवें घर में हो तो इस साल में होगा, वो राशि की बात नहीं करते। तो पहला कोड है बीपीएचएस का हाउस कि वो बात करें कि मैं इस वाले घर के अंदर अगर ये प्लैनेट हो बिना राशि के, ठीक है। दूसरा कोड है राशि, जब वो हाउस पार कर लेते तब राशि का कोड आता है। और तीसरा कोड है ग्रह। तो तीन टाइप की साइकिल्स हैं, तीन टाइप के लॉक्स हैं किसी भी चार्ट में। जब ये तीनों के तीनों लॉक अलाइन हो जाते हैं तो चार्ट खुलता है, तो वो इवेंट होता है। आपको लगता हो राशि चार्ट से खुल जाएगा, हाउस से खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, इवेंट देगा पर प्रोमिनेंटली इवेंट कब देगा, जब तीनों के तीनों लॉक्स अलाइन हो जाएंगे। मैंने इस कोर्स के स्टार्टिंग में आपको कहा था, एक लाइन का एक कोड बताया था कि कोई भी ग्रह की प्रोमिनेंट पोजीशंस देखिए, प्रोमिनेंट, तो वो कभी मत भूलना इन तीनों को इस्तेमाल करते वक्त, क्योंकि वो जिंदगी भर काम आएंगी। वो जो एक लाइन है ना वो बहुत बड़ा सूत्र है, वो अभी आपको पता चलेगा। तो आपको बैसाखी देने से अच्छा ये मैंने ये काम किया कि आप मेरे पे लाइफ टाइम डिपेंडेंट ना रहो, मेरे को बार बार पिंग नहीं करो, इसलिए मैं आपको कोड दे रहा हूं। आपको जिंदगी भर जहां रहोगे ना
वहां पर ये कोड काम आएगा, कोई भी सिस्टम प्रैक्टिस करोगे वहां पे आएगा, चलते फिरते घूमते फिरते अगर आप प्रैक्टिस करना हो, लाइक किसी ने भी मेरे को बोला एसी 44, मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, 44 साल ना 13 साल घर बदलेगा, सिंपल सा कोड है। अभी आप देख रहे हैं मैंने क्यों बोला, कोई 40 साल में घर बदल जाएगा, उसका कोई राशि नहीं, कोई कुछ नहीं, राशि मैंने यूज ही नहीं करना इस बार, हमने यूज करना है इस बार हाउस, पहले पहला जो चीज सिखाऊंगा वो हाउस सिखाऊंगा कि हाउस को किस तरीके से यूज करते हैं। भाई अंकित मैं बिल्ली, मैं आपको पेड़ पे चढ़ना सिखा रहा हूं, मैं तो सिखा रहा हूं ना, मैं कौन सा अपने पास है, मैं तो आपको बैसाखी बना ही नहीं रहा, मैं तो कह ही नहीं रहा कि मेरे पर डिपेंड हो जाओ किसी तरीके से। अगर आप पहला वाला कोर्स भी करते ना, आपने अगर पेड़ का पहला कोर्स किया, आप ऑलरेडी अपने आप में फुल टाइम फुल फ्लेज एस्ट्रोलॉजर हो, नहीं जरूरत पड़ेगी आपको और सीखना, डेप्थ है, मैं आपको और डेप्थ दिखा देता हूं, ये भी सीख जाओगे, मेरे को पता है इसके आगे का डेप्थ क्या है। तो मैं आपको सारे के सारे कोड सिखाऊंगा, अब उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो बीपीएचएस से कोड निकालते हैं, बीपीएचएस का ये चैप्टर नंबर 18 है ना, अगर आप बीपीएचएस से ला सकते हो, तो पेन और कॉपी सबके पास है, अगर नहीं है तो ले लो। पेन और कॉपी अगर किसी के पास नहीं है तो ले आओ, बिकॉज जरूरत पड़ेगा। पहले बीपीएचएस मेरे पास ये इंग्लिश वाली एज ऑफ द हाउसेस है, पहले 12 साल आपका पहला घर चलेगा, दूसरे 12 साल आपका 13 से 24 दूसरा घर चलेगा, और 144 साल तक चलेगा, ये हाउस कोड है। और उसके बाद मान लीजिए किसी की दूसरी साइकिल एक्टिवेट होती है 13 से 24, तो 13th ईयर सेकेंड हाउस बनेगा, फिर 14th ईयर थर्ड हाउस बनेगा, 15th ईयर फोर्थ हाउस बनेगा, 16th आपका फिफ्थ बनेगा, 17th सिक्स्थ हाउस बनेगा, इसी तरीके से 24 साल यहां पे आएगा, ठीक है। ये इंटरनल साइकिल है 13 से 24 के अंदर इस तरीके से। अब जब 25 से 36 आएगा तो तीसरा घर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसकी साइकिल चलेंगी तीसरे घर से, ठीक है। समझ में आया यहां तक? ये वाला चार्ट है ना आपके सबके पास जो आपको दिखाई दे रहा है, तो 12 साल 24 साल 24 साल पूरा निकल यहां से चालू होगा 25 थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ है। तो थर्ड लॉर्ड कहां पे आके बैठा है, कौन है नेचुरल थर्ड लॉर्ड? नाइन्थ हाउस मर्क्यूरी। नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठा है, थर्ड लॉर्ड भी नाइन्थ हाउस के साथ बैठा है, दोनों के दोनों इस हाउस को देखते हैं, तो बोलते हैं कि देखो अब एक्चुअली साइकिल इसका है 25 से 36, तो उसे बोलना कि 25वें साल से ना इसका जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम चालू हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि 47 साल की उम्र तक इंसान बहुत लकी रहेगा। तुम्हारा 36 तक का सुन में आया, 25 से 36 तीसरा घर है, 37 से कैसा क्या होगा देखो जरा, 37 से 48 क्यों अच्छा टाइम आ रहा है? अच्छा राहु का भी पॉइंट, राहु का मूल त्रिकोण हाउस, अच्छा उसके अलावा तीन तरफ से ना इसको हेल्प मिली। राहु अपने मूल त्रिकोण में है, जुपिटर इसका नेचुरल लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, जुपिटर जो इसका एग्जॉल्टेड प्लैनेट है राशि का वो नाइन्थ हाउस में बैठा है। यहाँ पे डेबिलिटेड कौन होता है? डेबिलेटेड भूल गए आप, मंगल 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 और मंगल कहाँ बैठा है? ऑटोमेटिकली 12वें में आके बैठा है, तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, देख भी नहीं रहा इसको। तो उसने बोल रहे हैं 47 साल की उम्र तक तो ना इसका कोई चिंता की बात है। उसके तो लिखते हैं 48 से 55 इस इंसान को बीमारियां होंगी, बेड रिडन हो जाएगा। अच्छा बताओ क्यों होगा 48 से 55 बेड रिडन? सड़न बीमारी, लॉर्ड एट्थ में जाके बैठा है,
कोई एग्जॉल्टेड नहीं होता इस घर में, कोई डेबिलिटेड नहीं होता घर में. 56 and 57 के अंदर ये बंदा अपने पुराने घर की मरम्मत करवाएगा और उसके बाद अपना घर छोड़ के किसी नई जगह पे चला जाएगा. अच्छा बताओ 56-57 में कौन सा, पहले बताओ कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रखा होगा उस टाइम पे साइकिल में. तो ये है अपना फिफ्थ हाउस 60 तक. 49 से 60 ठीक है. तो 49 यहाँ पे आएगा. मार्स एक्टिवेट होगा. मार्स किस चीज का कारक है? प्रॉपर्टी का. तो वो क्या एक्टिवेट करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने घर रेनोवेट करवा रहे हैं. And causing loss of money in that. कारक कौन है बारहवें घर का? जुपिटर. क्या बनाता है? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन. ठीक है. उसके बाद वो क्या लिखते हैं कि जब 57 का एज आएगा ना, ये वाला घर, तो अपने घर छोड़ के किसी बाहर वाली जगह पे चले जाएंगे. अच्छा बताओ सर, में आया क्यों जा रहे हैं अपने घर से बाहर में? सर देश निकाला, सन देश निकाला हो जाते हैं. लगन लॉर्ड इन यहाँ पे एग्जॉल्टेड प्लांट 8वें में, इसका मालिक 12वें में. 12वें में ठीक है. और इसको देख कौन रहा है? इसका डेबिलिटेड प्लैनेट सैटर्न. सैटर्न ट्रैवल हाउस इज अगेन. तो अपना घर छोड़ के किसी बाहर वाली जगह पे, बाहर विदेश जाके रहेंगे. उसका लिखते हैं वो He may wear. 34 के अंदर कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा? सबके सब अपने आंसर्स टाइप कीजिए, क्योंकि मेरे को देखना है तुम में से कोई आंसर गलत तो नहीं टाइप कर रहा. किसी का 8वां का तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, या 7वां अगर एक्टिवेट करवा रहा हो कोई. प्लीज एक बार कैलकुलेट करो सबके सब. अच्छा ठीक है, मुझे पता था थर्ड हाउस वाले आएंगे. अच्छा थर्ड फोकल पॉइंट है. फोर्थ हाउस ठीक है. फोर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 12. क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? बच्चों इधर सिखाना पड़ता है. तो मेरे को ये बताओ कि 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है? Venus. किसके साथ है? राहु के साथ. मार्स के साथ. तो ये जो 34 शुक्र एक्टिवेट होना ही होना है किसी भी हालत में, तुमको ये पता है आज की डेट में, कहीं मर्जी बैठ जाए. उसने अपना रिजल्ट अपने 12वें घर में देना ही देना है. वहां पे क्या बैठा है? मार्स. मंदीप आपके ना वॉइस में से स्टैटिक आ रहा है, प्लीज अपने आपको अनम्यूट करिए. अरे 12th हाउस का कारक कौन है? सैटर्न. कहाँ बैठा है? 7th में. एग्जॉल्टेड. पर आप इस चीज के अंदर एक बात समझिए बहुत ध्यान से, कि जब कभी शुक्र मंगल से मिल रहा है वो शादी करवा रहा है. शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे 7th हाउस एक्टिवेट हुआ है. वो शादी इसलिए भी हो रही है क्योंकि शुक्र का मंगल से मिलना शादी करवा रहा है इन वाले चार्ज में. तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कहां पे शुक्र मंगल से आके मिलेगा तो शादी हुआ है. आप सभी के चार्ज में शुक्र मंगल से मिला होगा उस साल में तो शादी हुआ होगा. और राहु है इसलिए वो बोल रहे हैं कि अनएक्सेप्टेबल. तो उन्होंने लिखा विडो, हो सकता है परिवार वालों को मंजूर ना हो, उसकी वजह से परेशानी है. सारे का बहुत जल्दी निकाला अपना चार्ट.
हाँ नमस्ते सर। सर वो आपको ना वो बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, वो सुमन ने आपको थैंक्स बोला है, वो मैंने वो आपको वो मेल किया था ना सर एक, कि वो लड़की को अजीबो गरीब सपने आते थे, आपने कहा था मिर्च खाने बोलना सुबह शाम एक हफ्ते तक, मुझे याद ही नहीं है। हाँ तो उसका सर दूसरे दिन में काम हो गया सर। आपको पकड़ना आपको ही है, मैं भी ना आपको ये टेक्निक का एक पार्ट सिखा सकता हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे 504 चार्ट्स है, 504 चार्ट्स के अंदर कोड आपको ही डिकोड करना, मेरा रोल खत्म हो जाएगा एक थोड़ी देर टाइम बता के। मैंने आपको कोड सिखाया ना, आप अपना खेल सकते हो, कितना मर्जी खेल लो। मास्क कौन से साल में एक्टिवेट होगा, अपने 10वें में कब रिजल्ट देगा, अपने से 12वें में कब रिजल्ट देगा, तो पता है ना, कर लो खेल लो जितना मर्जी। तुम्हारे सामने ना अभी ना बहुत बड़ा एक वो है, प्ले ग्राउंड है, तुम्हारे ऊपर है तुम कितना आगे खेल सकते, लंबा खेल सकते हैं। अब ना तुम अपने सारे सारे चार्ट देखो जो तुमने ड्रॉ करे हुए चार्ट। मैं चार्ट ना चाहता आपको इससे बता देता पीपीटी से, मैंने आपसे बनवाए चार्ट्स। अपने सारे सारे चार्ट्स देखो और मेरे को बताओ कि सैटर्न मोस्टली कौन से हाउसेस में मिला आपको। एट्थ में आपको पता है ऋषि ने इसको भी कोड कर रखा है, उन्होंने स्टार्टिंग किया है 5th हाउस सैटर्न से, फिर वो 6th हाउस पे आ गए, फिर वो 7th हाउस सैटर्न पे आ गए, अगले 20-30 चार्ट सैटर्न, और हर बार ना वो एज डिफर करते जा रहे हैं। सैटर्न कारक है लॉन्जिविटी का, वो बताएंगे नहीं आपको कि मैंने इस तरीके से कोड करके लिखे हैं अपने चार्ट्स, पर वो कह रहे हैं कि देखो मैंने ना ऑब्जर्व करना हो तो जुपिटर का पोजीशन, जुपिटर आपको पहले घर में मिला होगा बहुत सारे चार्ट्स में, तो धीरे धीरे मूव करेगा जुपिटर का पोजीशन और ना इंसान की जिंदगी का पैटर्न बदल देंगे। आपको बताएंगे नहीं कि मैंने जुपिटर का पोजिशन बदला, तो ये ना आपको ही देखना है। मैं करूं कि सैटर्न का पोजीशन अगर डिफर कर रहा है आपको ही निकालना है एज। आप देखो उसके पैटर्न नोटिस करके, पहले 20 चार्ट्स में एज का जो स्पैन था, आपने जो चार्ट्स करेंगे ना उसमें एज का स्पैन छठे घर तक है बस, 6th हाउस में मैक्सिमम 72, उससे ऊपर का एज नहीं दिया उन्होंने ऋषि ने। क्या मतलब समझे इससे, एज छठे घर का शनि तक 72 का मैक्सिमम एज दिया है एक पड़े हुए कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये आपको ही निकालना है। चलो एक और कोड बताता हूं, चार्ट नंबर 55 टोटल करो कितना आएगा, 55 को सर 10 1 इस चार्ट में सूर्य का प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, ये भी ऋषि ने कोड किया है। आपको ना हर एक कोड को डिकोड करते चलना, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और आगे निकल गए, ऐसा नहीं करना है। एक दिन में बैठ के सिर्फ चार चार्ट होंगे सॉल्व, मैं बता रहा हूं अभी से, सिर्फ चार चार्ट, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, एक दिन में फिर आपको चार चार्ट करने में 10-15 मिनट जाएंगे। पर ना 504 चार्ट्स में से ना 100 चार्ट का होमवर्क है, 100 चार्ट्स प्लीज करिए और करके भेजिए, और ढंग से करके भेजिए, उनकी कही हुई हर लाइन को डिकोड करिए। आप जितना गहराई में आके डिकोड कर पाओगे ज्योतिष आपको उतना आएगा, ये हाउस सिस्टम है। आपको इसमें से नहीं करना BPHS चैप्टर 16 अनफॉर्चुनेट ईयर्स, मंगल शनि अष्टम हो इंसान को कौन से साल में टीबी होता है, कौन से साल में लिखा हुआ है, इस ये काम है ना, मार्स 7th हाउस सैटर्न 8th हाउस, इंसान को टीबी हो जाता है थोड़े देर साल में, शायद 28 साल में 28 यस। अच्छा बताओ क्यों हो रहा है, निकालो बनाओ चार्ट, तुमको श्लोक याद हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि जब श्लोक दिन भर दिमाग में घूमेंगे ना यार क्यों लिखा महर्षि ने मंगल सप मंगल चौथ मंगल सप्तम शनि अष्टम टीबी हो रहा है 24 साल में 28 साल में, कैसे हो सकता है ये टीबी, सो नींद नहीं आएगी आपको, श्लोक इस तरीके से याद होगा। हाँ पर ये तो बन नहीं थी बात, वो तो नहीं बन रही ना बात। ये रहा। तो ये बुक्स हिंदी में भी हैं? हाँ जी मैम हिंदी में भी है। अच्छा बता दीजिए नाम।
नाम बताओ कोई सा भी एक बुक बताओ बीपीएचएस अवतार टाइप करना बुक कोई भी एक स्टूडेंट बाय बुक्स किनेंगे नहीं तो बेस्ट पार्ट वाज 55 मतलब श्लोक नंबर 55 और उसका कॉम्बिनेशन 1 एंड सन इज इन पर दैट इज ऑसम या आई मीन ऋषि इज ग्रेटर देन शर्लॉक होम्स ना वो आपको इस तरीके से सिखा रहे हैं कि आपको ना ब्रेन को पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जब कॉम्बिनेशन पता लग जाता ना तो कहते हैं ओहो कितने अंधे थे हम दिखा क्यों नहीं है ऐसे ही लगता है पर आपको यही सिखाने के लिए सी मैं आपको इससे आगे सिखा सकता हूँ प्रॉब्लम क्या है कि आपको पचेगा नहीं मतलब मैं सिखा दिया आपको इतना ठीक है इसको पचाना है ना आपको इसको डाइजेस्ट भी तो करोगे प्रैक्टिस तो करोगे I remember the ages for the Mars and Saturn. It was age of 10 and 30, which was given. 10 and 30, अच्छा 30 साल में हो रहा है. अब निकाल लो क्यों हो रहा है. वो इसी बुक में से है. Eighth house. सन में आ गया क्यों? Mars and Saturn. Mars, dominated in fourth house. Mars was in 7th, Saturn was in 8th, age of 10 and 30, native will have TV. So, 10th saal jab activate ho raha hai, Mars ka exalted house hai, Saturn ka apna house hai. Mangal 7th ghar mein hai, Shani Ashtam hai. Zone activity ke saath hoi. Dekh rahe hain. Iski wajah se TV hua, 30 saal ki umar mein, ab dekho, 3rd ghar ka focal point hai, Ashtam house activate hoga. मंगल का अपना घर है शनि वहां बैठा है टीवी दे रहा है तो ऋषि ने आपको लिख के दिया है आपको डिकोड करना चाहिए और ये कहां की टीवी होगी वो राशि बताएगी वहां पे जो होगी पहला चीज उन्होंने सिर्फ टीवी लिखा उन्होंने बोल दिया लिखा कि कहां पे होगा उन्होंने बस ट्यूबर क्लासेस देगा ये ठीक है तो दिस इज लेवल 1 दिस इज हाउस कोड तो अपनी कोई सी भी बुक उठाइए और इससे पहले कि आप मुझसे पूछो सर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कैसे काम करते हैं कंबस्ट प्लैनेट क्या होता है चलित क्या होता है ना उससे पहले ना चैप्टर 1 बीपीएचएस वापस जाइए प्लीज तो मेरे पास में शॉर्ट आंसर्स है नहीं आपके जवाब के मतलब कई बार क्वेश्चन आप पूछते मेरे पास है नहीं आज शॉर्ट आंसर्स क्योंकि मेरे को ना आप कहते हो मेरे को रेट्रोग्रेड प्लैनेट करना मैं सिखा दूंगा मैं मना नहीं कर सिखा दूंगा पर हैव सम पेशेंस मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स मुझसे शॉर्ट आंसर्स की उम्मीद मत रखिए मैंने आपको राशि 100 घंटे में सिखाई है मैंने आपको प्लांट्स एंड हाउसेस 15 क्लासेस में सिखाए हैं मैंने आपको ज्योतिष का कोड एक क्लास में एक लाइन में सिखाया है जो कितने मुश्किल से कई सालों में जाके मिला तो शॉर्ट आंसर्स की उम्मीद मत रखिए बेस बनाइए आप कुछ सवाल पूछने के हकदार हो जाइए मैं आंसर दूंगा आपका आंसर क्या रहता है नहीं आपसे जब भी कोई कुछ पूछेगा ना आपका पहला आंसर है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि वो एक गार्ड है कि मेरे को नहीं खाना है मेरे को इनिशिएटिव नहीं लेना है आपसे कोई खेलने के लिए बोल देगा कोई पहली चीज आपको यहाँ चलना है नहीं वो जो ना है ना वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप शर्मा रहे हो वो इसलिए है क्योंकि वो आपने एक्यूमुलेट कर लिया है धीरे धीरे ना आप एक काम करिए वो ना को ना थोड़ा 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 हाँ में बदलिए आप अपने पसंद की चीज नहीं खा सकते मैम अपने घर के अंदर आप छोड़े हो आप अपने लिए पसंद की चीज खरीद के लेके आते हो अपने क्लास में कहो अपनी पसंद की चीज खरीद वो भी आप दे देते हो ना दूसरों को सबोटेज कर रहे हो अपने आप को आप वो सेल्फ गिल्ट की फीलिंग है ना कि मैं ये नहीं खा सकती तो अपने आप को ना सेल्फ गिल्ट से मुक्त करवाइए कि मैं अपने आप को जो मैं ये नहीं खा जो ये जो ना आपके अंदर बोला गया ना लगातार उसकी वजह से टीवी हुआ है और कहीं से टीवी नहीं हुआ जो अपने आप को मारते हो ना लगातार ये कहते हुए कि मैं ये काम नहीं करूंगी मेरे को ये नहीं चाहिए कोई बात नहीं मेरे को ये नहीं खाना है कोई बात नहीं ये आप रख लीजिए जो अपने आप अपनी इच्छाओं को दबाना चालू करते ना लगातार चलिए तीसरा घर और दूसरों के लिए जीना चालू कर देते हैं बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन है मैं नहीं करूंगा आपके लिए ऑनलाइन पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप हमेशा कह रहे हैं आप सामने वाले को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं तो टीबी होता है तो अपने आप को पहले रखना चालू कीजिए आप बोले आज से कि मैं ना अभी जाऊंगी और आइसक्रीम खाऊंगी आप देख लो अपने घर में आप आइसक्रीम खुद नहीं खाते कहते बच्चे खा लेंगे हस्बैंड खा लेंगे ये खा लेंगे ठीक है वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे डॉक्टर बोलते हैं मेरा हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है तो कह के वेट लॉस
कर रहा हूँ, अब वेट लॉस करने में मेरी जान निकली जा रही है, वो होता ही नहीं है। भूल जाओ डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के कहने से कभी कोई ठीक नहीं हुआ, बीपी का कोई इलाज नहीं ना, बीपी डॉक्टर्स चाहते हैं कि आप मेडिसिन खाइए, डॉक्टर्स ऐसा लग रहा है मेरे सर में चीटियां चल रही है, कुछ पूरी बॉडी शेक हो रही है मेरी। आप दवाई खाइए या मत खाइए, आप अपना सैटर्न टेक कर लीजिए, आप अपना सैटर्न अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम दीजिए फोन छोड़ के, आप नेचर वॉक्स पे जाइए, आप लगातार अपने आप को सोचिए कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरह से खुश रह सकती हूँ। जब आप ये करना चालू कर दोगे ना मैम, आपका सैटर्न ठीक हो जाएगा, वो सैटर्न रिजॉल्व हो जाएगा, वो बहुत सारी सेल्फ सैबोटेज हैबिट है ना, गिल्ट फीलिंग है, वो मत रखिए अपने दिल में, आप क्लियर हो जाओगे यहाँ से। ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, आप सबका शनि इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पे उसको आना था, वो आपने एक्यूमुलेट किया है, धीरे धीरे जोड़ा है आपने शनि वहां पे, तो शनि एक्टिवेट हुआ है, तो शनि को हटाने के लिए अपने आप को पहले रखिए। शनि पांचवें घर में, आप इज्जत नहीं देना चाहते, आप हमेशा पीछे रहते हो कि आप कोई बात नहीं कोई और ले लेगा, तो अपने आप को ना हमेशा फर्स्ट रखिए, जहां पे शनि है वहां पे कहिए मेरा हैबिट शनि छठा घर है, या तुमने मेहनत करा है बोलिए मैंने मेहनत करा है मेरा हक है, यदि छठे घर में वो ही नहीं ले रहे अपना अपना क्रेडिट नहीं लेते, अपने आप को सेल्फ साबोटेज मत करिए, टीवी हो जाएगा नहीं।